नमस्कार फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। आज के इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप लोगों को क्रेडिट कार्ड से फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना सिखाऊंगा, क्योंकि आपके मन में कई सारे डाउट ऐसा होता है कि अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करता हूं तो ये मेरा 12 महीने का EMI कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये आपके हैंड में होता है कि आप यहाँ पे चाहे तो EMI पे परचेज कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप लोग इसको EMI में पे कर सकते हैं। इसका कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया होता है जो कि आप लोगों को नहीं पता होता है, तो इसीलिए मैंने आज के इस एपिसोड के माध्यम से सोचा कि आप लोगों को सारा जानकारी देने की कोशिश करूं, ताकि आप लोग के मन में जो भी डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो फ्रेंड, हम अपने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे चलेंगे, वहाँ पे जाने के बाद आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे अपना फ्लिपकार्ट ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फ्लिपकार्ट। जैसे ओपन होगा तो गाइज, इसके बाद आप लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना पड़ता है। तो प्रोडक्ट तो आपको सेलेक्ट करना आता ही होगा, तो मैं आप लोग को फिर भी बता देता हूँ कि प्रोडक्ट आपको यहाँ पे सर्च कर लेना होता है। उसके बाद आप लोग को जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं, आपको कुछ भी अगर बाय करना होता है तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट बाय पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट बाय करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट करके रख लिया है आप लोग को यहाँ पे बताने के लिए। मुझे यहाँ पे किसी के लिए शॉपिंग करना है, तो आप लोग ये देख सकते हैं मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट 585 रुपये का यहाँ पे शो हो रहा है। और EMI का कुछ क्राइटेरिया होता है जो कि मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पेमेंट पेज पे पहले जाता हूँ, उसके बाद आप लोग सब कुछ समझ लेना। तो जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आप लोग के सामने में गाइज यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स आपका यहाँ पे शो होता है कि आपका ऑर्डर कहाँ पे डिलीवर होगा, क्या कुछ होगा, सब कुछ स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद गाइज सिंपली आप लोग को यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। आप लोग चाहे तो अपना और एड्रेस वगैरह वेरीफाई कर लेना कि कहाँ पे आप लोग को मतलब डिलीवर करवाना है, किस तरह से करना है। यहाँ पे आने के बाद गाइज आप लोग के सामने में जो भी आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऐड किया होगा वो क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे शो हो जाता है। यदि आप लोगों का क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं है तो सिंपली आप लोग ये देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, यहाँ पे आप लोग को आने के बाद आपको अपना कार्ड यहाँ पे ऐड कर लेना होता है। तो ये काफ़ी इजी है, आप लोग को यहाँ पे सिर्फ अपना CVV कार्ड डिटेल्स जो भी होता है वो सारा कुछ डालने के बाद आपका कार्ड ऐड हो जाता है। तो ऑलरेडी मेरा ये कार्ड ऐड है जो कि SBI का सिंपल क्लिक क्रेडिट कार्ड है, जो कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद गाइज आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग शॉपिंग करना चाहते हैं EMI पे, तो इसके लिए आपका प्रोडक्ट 3000 से अबव का होना चाहिए। यदि आपका प्रोडक्ट 3000 से नीचे का है तो आपका पेमेंट यहाँ पे वन टाइम में आपका पेमेंट कट जाता है। यानी कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे CVV देके, तो आपका यहाँ पे पेमेंट एक बार में कट जाएगा। उसके बाद आपका 50 दिन के बाद जो आपका बिल जनरेट होता है उसमें आपको पूरा पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन यदि आप लोग का यहाँ पे 3000 का प्रोडक्ट है तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्या शो होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। 3000 का प्रोडक्ट होने से आप लोग को यहाँ पे EMI का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाता है। तो उसके बाद आप लोग को वहाँ पे दो चीज़ पूछा जाता है, फुल पेमेंट या फिर EMI। तो आप लोग वहाँ पे कस्टम ढंग से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग का यहाँ पे 300, 400 या फिर 3000 के नीचे कोई भी अमाउंट है तो आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे 585 रुपये का है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऑल पेमेंट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, मुझे यहाँ पे अपना CVV यहाँ पे दे देना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे CVV मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका पेमेंट यहाँ पे हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म जैसे करूँगा तो आप लोगों के सामने लाइव यहाँ पे दिखा पाऊँगा कि मेरा यहाँ पे जो है ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे सब कुछ समझ गए होंगे कि क्रेडिट कार्ड से आप लोग किस तरह से यहाँ पे पेमेंट करेंगे, किस तरह से आप लोगों का यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे होता है। तो अभी यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ स्क्रेच कार्ड वगैरह यहाँ पे मिला है। उसके बाद यहाँ पे सुपर कॉइन यहाँ पे आपको दिया जाता है हर एक ऑर्डर पे। तो मेरा यहाँ पे सारा कुछ हो चुका है और मैं अभी आपको ऑर्डर के सेक्शन पे लेके चलता हूँ। मैंने कई सारे ऑर्डर यहाँ पे किए हैं, तो आप लोग यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे 2 ऑर्डर यहाँ पे लगा है और मैंने ये सारे ऑर्डर यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड से ही किया है। और मुझे यहाँ पे वन टाइम में पेमेंट करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर भी आप लोगों को कोई राय अगर आप लोगों से मतलब आप लोग जानना चाहते हैं मुझसे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लेना, या फिर किसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।